पंजाब में NHAI की कई परियोजनाओं पर ग्रहण लग सकता है। केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार को पत्र लिख इसकी चेतावनी दी है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को पत्र लिखकर कहा है कि अगर राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं सुधरती तो NHAI की 8 और परियोजनाओं को रद्द कर दिया जाएगा। गडकरी ने यह पत्र दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे पर ठेकेदारों के साथ हुई हिंसक घटनाओं के बाद लिखा है। पत्र में कहा गया कि NHAI पंजाब में दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे सहित कई NH कॉरिडोर का निर्माण कर रहा है। हाल ही में घटनाओं के बाद उन्होंने अथॉरिटी के अधिकारियों, ठेकेदारों और उनके कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने भूमि अधिग्रहण से जुड़े मुद्दों को भी हल करने के लिए कहा है। नितिन गडकरी ने कहा कि पंजाब के PWD मंत्री के साथ बैठक के बाद भी हालात नहीं सुधरे बल्कि और भी ज्यादा बदतर हो गए हैं। उन्होंने पंजाब सरकार को बड़ी चेतावनी देते हुए कहा अगर ऐसे ही चलता रहा तो 293 करोड़ के 14,288 करोड़ के प्रोजेक्ट बंद कर देंगे। बता दें कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। केंद्र के साथ पंजाब सरकार का टकराव कोई नया नहीं है। वरिष्ठ बीजेपी नेता ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को लिखी चिट्ठी में दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट पर अधिकारी की पिटाई का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने लिखा जालंधर जिले में एक ठेकेदार की बेरहमी से पिटाई की गई। इस संबंध में FIR दर्ज हुई है लेकिन अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। नितिन गडकरी ने इस समस्या की पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को भी जानकारी दी। भगवंत मान को लिखी इस चिट्ठी में चेतावनी के साथ त्वरित कार्रवाई की जरूरत बताई गई है। वहीं अधिकारियों और ठेकेदारों की सुरक्षा को लेकर पंजाब सरकार पर सवाल उठाए हैं। हालांकि इस संबंध में पंजाब सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।